यार गोश्त थोड़ा सा हार्ड है जैसा कि देखने में भी लग रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको चबाने का पूरा टाइम मिलता है। चावलों के अंदर यखनी का इतना कमाल फ्लेवर है। ओह कैमरा गिरा दे माशाल्लाह। समोसा डाला, समोसा डाला आपने, समोसा भी डाला। सही हो गया माशाल्लाह। स्पेशल चावल स्पेशल ले ओके टोल मरगरी चिकन दे दा साकी मुबीन ना सनी सब्सक्राइब के और बेल आइकन उन दबाओ जो भी कह रहा है कर लो। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर सुपर लियो अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। अभी हम मौजूद हैं मर्दान के अंदर, सुबह का टाइम है और इस टाइम हमें नाश्ता करना है। यहाँ पे हमने मतलब रात को जो है हम यहाँ पे सो गए थे, नहीं सो थाले सोते ही हैं। यहाँ पे जो है ना नाश्ते का कोई ज़्यादा सीन नहीं होता, यहाँ पे हलवा पूरी है, हमने सुना है यहाँ पे हलवा पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम यहाँ पे बिगड़गंज का एरिया है वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हलवा पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हलवा पूरी ट्राई करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चप्पल की दुकानें हैं, पेशावरी चप्पल और दूसरी जो चप्पलें होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हलवा पूरी वाले, 3-4 हैं, हमें ढूंढना है कि उनमें से सबसे अच्छा वाला कौन सा है। अभी हम ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? क्या जी? परवेज जी, हम यहाँ पे जो है ना चक्कर लगा रहे हैं, ये परवेज चप्पल स्टोर इनका है, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। इनसे हमने पूछा है और ये बता रहे हैं कि जो बिल्कुल सामने ना इब्राहिम पहलवान, फारूक पहलवान पहले पुराना था, फिर फोत हो गया, उसके बाद जो है उन्होंने बैनर चेंज कर दिया, अब इब्राहिम पहलवान के नाम से ये दुकान है और यही सबसे पुरानी है। बिल्कुल, आप इधर से नाश्ता करते हैं ना? हम इधर से आए हैं, आपके नाश्ता करें। नहीं नहीं नहीं, हाँ आपको खिलाएंगे आज। तो अभी हम इधर से नाश्ता करते हैं, ठीक हो गया। लोकेशन समझा देता हूँ आपको। अच्छा यार, ये जो है ना सामने जो है ना ये बैंक रोड है, बैंक रोड से जब बिगड़गंज रोड, बिगड़गंज की तरफ आएंगे तो ये रोड के ऊपर राइट साइड पे आपके आएगा इब्राहिम पहलवान पकौड़ा समोसा शॉप, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या नाम आपका? साबिर नाम है, सही सही। ये कितनी पुरानी दुकान है? 40-50 साल हो गए हैं, सही हो गया। तो ये जो पहले लिखा हुआ है फारूक पहलवान, ये कौन थे? उसके रिश्तेदार थे आपके। अच्छा, आपको सिर्फ हलवा पूरी होती है नाश्ते में? नाश्ते में नहीं, हाँ हलवा और चने नाश्ते में, बस यही होता है। और पूड़ी कितने की आपने बताई? 20 रुपए की पूड़ी है, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये मैदा और चीनी और मैदा है। अच्छा अच्छा, ये बिस्किट टाइप होगा ना, जैसे खजूर बोलते हैं यार। ये कितने की है? 20 रुपए की है ना, मुझे वो बिस्किट टाइप लग रहा है, जितना जिस तरह हमने अटक में भी खाया था ना, वही चीज़ लग रही है तकरीबन। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है लेकिन है बहुत मज़ा आया। सौंफ का खुशबू, सौंफ का फ्लेवर, सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी है इसके अंदर। अगर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ये बहुत कमाल की चीज़ बन रही है। अच्छा, साथ में जो है ना यहाँ पे चने लाइव भी बन रहे हैं। ये कौन से वाले चने बन रहे हैं? समोसों में डालेंगे? अच्छा, ये समोसों की पीठी तैयार हो रही है। इसमें खाली चने, आलू भी है? सिर्फ चना है। ये हमारे लिए पूड़ियाँ बना रहे हैं भाई, राबिर भाई, खालिस मैदे की पूड़ी है ये। चने आ गए और ये आ गए हलवा। ये पूड़ी का साइज़ है, थोड़ी सी छोटी है साइज़ में, लेकिन 20 रुपए की है तो ये रीज़नेबल है। साथ में ये जो चने हैं सब, ये ऊपर जो है ना इन्होंने सूखा ये मेथी दाना डाला हुआ है, और साथ में ये जो हलवा है, हलवा ये है 40 का अलग से, साथ में नहीं मिलता, और ये 40 की दो पूड़े, टोटल 80 रुपये का ये नाश्ता है हमारा। इसको ट्राई कर लेते हैं, ये पूड़ी। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, वेरी नाइस। देखो ये बहुत ज़्यादा रबड़ी टेक्सचर है, ऐसे बहुत कमाल के चने हैं। मुँह में जाकर सॉफ्ट, वही जैसे दाना घुल जाता है मुँह में जाकर, वो दाना घुल जाता है, और इसमें जो फ्लेवर आ रहा है ना, फ्लेवर बहुत कमाल का। प्लेन हलवा, जैसे संदल की खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू इन्होंने ऐड की हुई है, क्योंकि हलवे का फ्लेवर अच्छा है। जैसे यार हमने यहाँ से हलवा पूड़ी ट्राई कर ली है, ये भाई यहाँ बैठे हुए थे, अभी ये इन्होंने मुझे पहचान लिया। आप यूके में थे? यूके से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आपका नाम? रहमान खान। रहमान खान, चले बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिलकर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
यार हम जा रहे हैं पाकिस्तान चौक अप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या बोल रहे हैं? लाऊं आपको? ये आ गए ना, ये देखो अच्छे आ रहे हो, अच्छे आ रहे हो। क्या नाम है आपका? उमामा। ओ माशाल्लाह। अच्छा अभी हम यहाँ से जो है ना, हमने हलवा पूरी खा लिया, इससे हम पता कर रहे थे कि यहाँ पे नाश्ते में और क्या चल रहा है। तो हमें यहाँ पे पता लगा है कि यहाँ पे चावल, कोई पुलाव खाते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल पुलाव होता है वो मिलता है पाकिस्तान चौक पे। तो अभी हम पाकिस्तान चौक की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? क्या फहाल? हाँ ठीक ठाक। कहाँ से आए हो? हम लाहौर से। माशाल्लाह। हम पी के अभी नाश्ता हमने कर लिया जज़ाकअल्लाह। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान चौक, वहाँ पे कोई सुना यहाँ पे नाश्ते में चावल खाते हैं लोग। हाँ चावल का, वो वासिफ चावल वाला है। वासिफ चावल वाला है, और भी बहुत से चावल वाले नाश्ते में खाते हैं लोग सुबह। यहाँ के एक खारू लोबिया वाला है, पुराने देख लोगे और एज आदमी है, मगर छोटी सी लेडी है इसकी, मगर दूर दूर से लोग आते हैं। रमज़ान में इन पे बहुत रश होता है, बहुत से कहाँ से लोबिया और ये कचालू वगैरह का काम। आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मोहम्मद जाहिद इकबाल। जाहिद इकबाल, भूल गया नाम आपने बताया था। सही, भूल। कड़ी हुई लेडी हो, पिलर वो जो बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी सही है, सही है। चलो उधर चलते हैं यार, उधर। यार हम जा रहे थे इधर चावल खाने के लिए, लेकिन हमें उन्होंने बताया जाहिद साहब ने यहाँ पे कचालू मिलते हैं। यार ये सेम रोड है, यहाँ से भी हमने हलवा पूड़ी खाई है, और इसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये है जी बाबा जी, इनके पास ये लोबिया लगा के बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। संगा हाल दे भाई साहब? ठीक ठाक दे। ये जनाब इनके पास लोबिया है और ये कचालू है। ये बड़ी अरबी जब बड़ी होती है तो ऐसी होती है? अच्छा ये बड़ी अरबी है, ठीक हो गया। ये कचालू बोलते हैं। ओहो माशाल्लाह। समोसा डाला? समोसा डाला आपने? समोसा भी डाले। आपका नाम क्या है? लोबिया। आपका नाम क्या है? गुलफरोश। माशाल्लाह यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है भाई जान। ओहो हो, ये सिरका है? ये सिरका है। उफ सुभान अल्लाह। ये दही है? ये दही है। वाह जी वाह। ये कितने का प्याला है? ये 50 का। 50 का। ये नमक है? ये नमक है। और ये मिर्च है? ये मिर्च है, और दूसरा काला मिर्च है। अच्छा काली मिर्च भी डाली हुई है? अच्छा ये काली मिर्च है, ये बहुत महंगी। ये भी आपने मीठी चटनी डाली है? काली मिर्च महंगी है। अच्छा ये प्याज और ये आएगा। समोसा दिखाते हैं कैसा है ये खाली? नहीं छोले भी है। छोले कहाँ है? समोसे के अंदर छोले हैं? छोले वाला समोसा ये? अच्छा ये वाला समोसा है, ठीक हो गया, ठीक है। तैयार हो गया ये जो कचालू है? ये कचालू है। ये कैसे देते हैं? ये भी 50 का भी है। ये देखो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार, मैंने पहली दफ़ा देखी है। ये समोसा चने वाला समोसा है, इसमें ऊपर लोबिया, सिरका, दही, मसाले, बहुत मज़ेदार चीज़ लग रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओहो पहले लोबिया का फ्लेवर आया, बाद में हल्का समोसे का क्रंच आया, उसमें जो मज़ा कराया समोसे का क्रंच है वो बड़ा कमाल है यार। सिरके की हल्की खटास है इसके अंदर, दही की खटास है, और मसाले बहुत हल्के हैं। मैंने हल्के मिक्स करके दिया इसको, लेकिन हम ये जो है ये देखो ये इसकी प्रॉपर फुल बाइट है। ये ऐसा लग रहा है हम समोसे खा रहे हैं चनों के साथ। पंजाब में समोसा चल रहा है चनों के साथ, उस तरह यहाँ पर लोबिया चलता है समोसे के साथ, बहुत ज़्यादा। शाहिद साहब मुझे ये बताएं आप कितने बजे लगाते हैं ये सुबह? एक घंटे दो घंटे शीश महल बेकरी के आगे लगाते हैं? अच्छा 6:30 बजे। और ये कब तक ख़त्म होता है आपका सारा सिस्टम? 2 बजे। 2 बजे ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह। जितना मज़ेदार है ना, मुझे लग रहा है 12 बजे ख़त्म हो जाना इसलिए। सही, बहुत मज़ा आया, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार बहुत मज़ेदार चीज़ यार, जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें अच्छी जगह बताई। अभी हम चल रहे हैं पाकिस्तान चौक की तरफ, वहाँ जाके हम जो है चावल और जो गोश्त होता है वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। पुलाव जो भी लोग सुबह सुबह में खाते हैं नाश्ते में खाते हैं वो ट्राई करते हैं, चला जा रहा है। मैं तो जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तो फटा चल रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे है इसलिए हम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हम जो है चिंचे बैठ के जा रहे हैं। स्पेशल चावल स्पेशल है? ओके okay.
यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि सुबह नाश्ते का टाइम नहीं है, ये 11 बजे का टाइम है तकरीबन, लेकिन हम यहाँ पे नाश्ता ढूंढने पे रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे ना गोश्त चावल चलता है नाश्ते में, इसे लोग नाश्ता नहीं बोलते, बस ये कहते हैं कि सुबह के टाइम चलता है गोश्त चावल। तो ये हाजी वासिल है, इसके बाद हम आगे मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये जो है ना ये पाकिस्तान चौक है, और यहाँ पे ये इस तरह जा रहे रोड बैंक रोड की तरफ, बैंक रोड की तरफ जाने से पहले उल्टे हाथ पे ये है हाजी वासिल गोश्त चावल, इनके पास चलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, संग आल दे आई सर, खैर दे, क्या है गोश्त चावल? गोश्त चावल, गोश्त चावल है ये। ये बीफ है? बीफ बड़ा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, सही हो। कितने की प्लेट है? 250 का, 250 की एक प्लेट है, एक प्लेट है, सही हो गया। तो कितने बजे खोलते हो सुबह? सुबह 7 बजे खोलते हो। तो ये वासिल कौन है? मालिक है, वो कहाँ है? मजदूर है। वो मालिक कहाँ है? वासिल आपका नाम? अच्छा सही सही, वालिद साहब है, वालिद साहब है आपके, अच्छा सही। ये कितनी पुरानी दुकान है? ये जो है पहले सामने थे, अच्छा हमारा वालिद साहब 1970 में हो रहा है, 1970 में, 50 साल पुरानी है, अच्छा माशाल्लाह। ये अभी अब इसको 4 साल हुए हैं? नहीं, इधर तकरीबन 12 साल, इधर 12 साल हो गए हैं, सही माशाल्लाह। हाँ का माजा देखा, हमारे सामने जो है ना ये प्लेट आ गई है, इसमें जो है ये गोश्त है। तो ये जो गोश्त है ना ये मुझे लग रहा है थोड़ा सख्त है, ये भैंस का गोश्त लग रहा है मुझे, और साथ में जो है ये चावल है, ये जो चावल है ये तड़के वाले चावल लग रहे हैं। पहले सिंपल चावल ट्राई करते हैं, उसके बाद गोश्त को ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, यार क्या कमाल के यखनी वाले चावल हैं, देखने में ऐसा लग रहा है सिंपल तड़के वाले चावल हैं, लेकिन चावलों के अंदर यखनी का इतना कमाल फ्लेवर है, बहुत आला यार। मैं सोचा थोड़ा थोड़े मतलब हल्के से तड़के वाले चावल होंगे, साथ गोश्त का फ्लेवर होगा, लेकिन ये तो भाई कमाल चीज़ है। और ये बोटी है, और ये साथ में इसको ट्राई करते हैं, और ये गोश्त के साथ चावल ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, यार गोश्त थोड़ा सा हार्ड है जैसा कि देखने में भी लग रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको चबाने का पूरा टाइम लगता है, चबाने से उसके जूसेस बाहर आते हैं, उसकी वजह से गोश्त का अरोमा, गोश्त का फ्लेवर अच्छा आ रहा है इसके अंदर। लेकिन ज़्यादा मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि चावलों के अंदर भी गोश्त का और यखनी का फ्लेवर मौजूद है। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो मुझे नज़र आई अभी, ये मसाला इन्होंने साथ रखा हुआ है, ये वाला ये जो है ना ये थोड़ा सा मसाला ने साथ दिया, ये हम इसके ऊपर डालते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा मसाला, ये गोश्त यहाँ से, और ये दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट गोश्त चावल। सुबह सुबह अगर आपको प्रोटीन डाइट चाहिए प्रॉपर, हलवा पूरी से और बाकी चीज़ से बेहतर है कि आप ये गोश्त चावल सुबह में ट्राई कर लें, बहुत सारा चीज़ है। तो ये चावल बनाते किस तरह? सिर्फ यखनी बना के, बड़ा अच्छा जायका है इसका, सिर्फ चावलों में अच्छा जायका आ रहा है और गोश्त का अलग जायका है। तो ये यखनी बना के बनाते हैं आप चावल, और सिर्फ बड़े ही जानवर का? जानवर कौन सा? भैंस है ये? बड़ा वाला नहीं है, बस जवान वाला, जो कट्टा जिसे बोलते हैं हम पंजाबी में। जितने का मर्जी ले लो आपसे, खाली चावल भी अगर किसी ने लेने हो तो 50 का 100 का। अच्छा का। अच्छा सही सही, 600 का बड़ा मर्जी, बड़े फुल जो प्लेट है वो 600 की है, वो ये वाली बरात है। ये आते लाहौर से लोग आते हैं। अच्छा हाँ, मैं भी आया हूँ ना लाहौर से, सही है। ये फलूदा भी आपका ही है? फलूदा भी आपका ही है? फलूदा भी ठीक है, इसका भी करते हैं चला। रबड़ी भी होती है? खाली फलूदा है क्या? ये जो है ना इनके पास ये जो ही वासिल चावल है, गोश्त चावल के बिल्कुल साथ जो है ना ये बाबा कुल्फी वाले इनका सेटअप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? यार मुझे ये बताओ ये जो डब्बे में बना हुआ है ये क्या चीज़ है? वो कुल्फी है खाली? बहुत मशहूर है। यार हमें दे दो ये एक, हमें बना दो, दो बना दो, दो दो डब्बे दे दो। कितने की है कुल्फी? 80 की कुल्फी है। ये क्या ऊपर टेप लगाई होती है आपने?
एक हो गया ना, दूसरा भी निकाल, एक और निकाल। सही हो गया माशाल्लाह। ये यहाँ की ना खास औकात है और बड़ी मशहूर होती है ये। जी बिस्मिल्लाह। ओए होए यार, फुल जमी हुई है। जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बने हुए इसके, लेकिन फ्लेवर इतना कमाल है यार। ये देखो ये सारे क्रिस्टल बन गए मैंने बर्फ़ की, ये देखो ये, लेकिन ये फ्लेवर उफ़ उफ़ बहुत ज़्यादा फ्लेवर है यार ये, माशाल्लाह। ये बहुत मज़ेदार है, चैनल में बाद में बताऊँगा, पहले ही मैं आपको बताऊँ ये बहुत मज़ेदार है, इंतहाई लजीज चीज़ है यार ये। सुलेमान भाई, ये आपके नाना बू की शॉप है? आपके नाना बू का उनका नाम क्या था? अजीज़ुर्रहमान? अजीज़ुर्रहमान नहीं, शकूर बाबा। शकूर बाबा, हाँ जी, उनकी दुकान है ये, इसलिए बाबा कुल्फी वाला मशहूर है। बाबा आपके जो नाना थे वो कितना पुराना है उनका काम? ये यार तो 1949 का शुरू हो गया। 1949 का पुराना। अच्छा, तो वो दूसरी दुकान कहीं और है? वो उस तरफ है, इदरीस होटल के पास है। इदरीस होटल के पास है। वो एरिया कौन सा है, उसे क्या बोलते हैं? वो पाकिस्तान चौक। ये भी पाकिस्तान चौक है? हाँ जी। वो भी पाकिस्तान चौक है? पाकिस्तान चौक है, वो शहजान बाजार है। अच्छा, सही सही, ठीक हो गया। ये वीडियो जो है हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इसी दशिश के साथ ये वीडियो भी वीडियो का भी इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। यार को चैनल सब्सक्राइब करें पुख्तों में को टोल मरगरी जी कमदेदा साकी मुबीन ना सनी सब्सक्राइब के और बेल आइकन दबाओ, जो भी कह रहा है कर लो। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फॉलो करना नहीं भूलना। आपसे मुलाकात होती है, गपशप होती है, लाइव जाता हूँ, बातचीत होती है, डायरेक्ट मैसेज अगर आप मुझे करना चाहें, मुझसे बातचीत करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे हो जाती है बहुत। अगर इंपॉर्टेंट बात हो तो मैं उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ। आपसे मुलाकात करनी चाहिए अगली वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मजीद एपिसोड इंशाल्लाह मर्दान के आएंगे, हम अभी मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को और यहाँ पर मज़े मज़े खाने आपके लिए चला आते रहेंगे। आपसे मुलाकात करनी चाहिए अगले एपिसोड के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।